हिंदुस्तान ने जीता क्या, घसीटा है बल्कि श्रीलंका को, मारा है बहुत बुरी तरह। आई मीन लाइक बैटिंग आपकी टॉप क्लास परफॉर्मेंस दे रही है, इंडिया इज बिकमिंग अ रुथलेस साइड, और यहां से ऑन स्लॉट इंडिया का नहीं रोका जा सकता। और सूर्या कप्तानी में उन्हें बताना था कि यार मैं कैसी इनिंग खेलता हूँ। श्रीलंका को वैसे भी सूर्या छोड़ता नहीं है, लेकिन जो आगाज आज शुभमन गिल ने दिया, जो आगाज यशस्वी जायसवाल ने दिया, वो काबिले तारीफ था यार। उस आगाज ने बड़ा कमाल किया है। तो भाई यंग इंडिया का पहला मुकाबला था और उस मुकाबले में यंग इंडिया ने क्या आग लगाई है, क्या इंटेंट दिखाया है श्रीलंका के सामने। आज टीम इंडिया ने गौतम गंभीर की कोचिंग के अंडर और सूर्या कुमार यादव की कप्तानी के जेर निगरानी पहला मैच श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज का अपने नाम कर लिया है। इंडिया ने पहले बैटिंग कर, बेटा जितने तेरे बाबर और रिजवान 15 ओवरों में रन करते हैं ना, उतने गिल और जायसवाल 6 ओवरों में करके गए हैं। जितना तेरा वो घंटे का किंग और लिपस्टिक बुलेट 15 ओवरों में रन करके जाता है ना, उतना जायसवाल और गिल ने 6 ओवरों में किया है। और नया दौर है, नया इरा है, ये गौतम गंभीर कोच बने हैं, कप्तान अपना जनाब अब नया बना सूर्य कुमार यादव। तो पहले ही मैच में उसने 22 गेंदों में 50, दिस इज हाउ ही प्लेस, दैट्स व्हाई ही इज द नंबर वन रैंक बैट्समैन। मुझे तो उसकी जो रेंज ऑफ शॉट्स है वो अनबिलीवेबल नजर आती है। 74 रन का पावर प्ले आया, कमाल कर दिया। और गिल, लेकिन आज जिस तरह वो मार रहा था, कुहाड़ा डस चौका डस, जिस तरह छक्का मारा, जिस तरह पुल मारा। शुभमन को रन चाहिए थे, शुभमन ने रन किए, सारे बैट्समैन रन किए, बैट्समैनों की बात नहीं करूंगा, बैटिंग तो आपके पास बहुत है। और उसके बाद ऐसी जीत इंडिया के लिए और ऐसा हिंदुस्तान फेंटा लगा रहा है कि जिससे आई मीन लाइक दो राय नहीं हो सकती यार, कि दिस इज द बेस्ट टीम। सूर्या कुमार का तो आपको पता ही है, वो बदला लेने पर आए तो फिर वो कैसी झाड़ू फेरी है उससे आज असरंगा की बॉलिंग के ऊपर, आप ये देखिए। पाकिस्तानी कुछ लोग पता सुबह क्या कह रहे थे कि आज इंडिया का पता चलेगा, आज तो कोहली भी नहीं है, आज तो रोहित भी नहीं है, आज तो ये भी नहीं है, आज तो वो भी नहीं है। बेटा कोई भी नहीं है बेटा, घंटे का किंग 6 में 74 करके गए हैं वो आज। आज टीम इंडिया ने गौतम गंभीर की कोचिंग के अंडर और सूर्या कुमार यादव की कप्तानी के जेर निगरानी पहला मैच श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज का अपने नाम कर लिया है। इंडिया ने पहले बैटिंग करके श्रीलंका को 213 का टारगेट दिया, जो कि श्रीलंका चेज नहीं कर पाया। क्या कहेंगे? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर ये सीरीज खेली गई। इतना बड़ा जो टारगेट जो है वो दिया गया पहले दिन ही। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इंडिया के पास इतने कमाल के प्लेयर हैं, और अगर मैं बात करूं गौतम गंभीर के, गौतम गंभीर एक अलग फैसले लेने वाले इंसान है। जिस तरीके से आपने देखा ना आईपीएल के अंदर अलग अलग डिसीजन लिया, बॉलर्स को उस बंदे ने ओपनर बना के बैट्समैन बना दिया था, सुनील नारायण की मैं बात कर रहा हूं। जब से गौतम 100 रन पार कर दिए और अपने शेर अक्षर पटेल ने 8वें नंबर पर बैटिंग करने के बावजूद जो है वो छक्का जो रसीद किया, आखिरी मजा आ गया। 5 गेंदे 10 रन और सूर्या कप्तानी में उन्हें बताना था कि यार मैं कैसी इनिंग खेलता हूँ। श्रीलंका को वैसे भी सूर्या छोड़ता नहीं है, लेकिन जो आगाज आज शुभमन गिल ने दिया, जो आगाज यशस्वी जायसवाल ने दिया, वो काबिले तारीफ था यार। उस आगाज ने बड़ा कमाल किया है। एक मूवमेंट था कि पंत ने पहली 13-14 बॉलों पे बहुत ही कम रन बना रखे थे और उसके बाद एकदम से जो है वो कहानी शुरू हुई, और फिर जो कहानी शुरू हुई तो कहानी फिर खत्म नहीं हुई। 8-7 से 2-13 कर गया इंडिया, तो ये मोर देन इनफ होते हैं भाई पिच जितनी भी अच्छी हो। सूर्या कुमार का तो आपको पता ही है, वो बदला लेने पर आए तो फिर वो कैसी झाड़ू फेरी है उससे आज असरंगा की बॉलिंग के ऊपर, आप ये देखिए। पंत की वजह जो है टीम में होने की, वो उसकी सक्सेस है यार, क्योंकि पंत भी एक सक्सेस है आपके लिए, बल्कि पंत ही सक्सेस है आपके लिए। टॉप 3 थे सूर्या, गिल और जायसवाल, इनकी तेज बैटिंग की बदौलत ऋषभ पंत हैड अ चांस कि यार वो थोड़ा सा एक साइकिल ले, विकेट पे वक्त ले और फिर वक्त गुजारे। यंग इंडिया, विराट कोहली नहीं था, रोहित शर्मा नहीं था, जसप्रीत बुमराह नहीं था। पाकिस्तानी कुछ लोग पता सुबह क्या कह रहे थे कि आज इंडिया का पता चलेगा, आज तो कोहली भी नहीं है, आज तो रोहित भी नहीं है, आज तो ये भी नहीं है, आज तो वो भी नहीं है। बेटा कोई भी नहीं है, लेकिन जिस तरह इंडिया की टीम आज खेली है, बेटा जितने तेरे बाबर और रिजवान 15 ओवरों में रन करते हैं ना, उतने गिल और जायसवाल 6 ओवरों में करके गए हैं। जितना तेरा वो घंटे का किंग और लिपस्टिक बुलेट 15 ओवरों में रन करके जाता है ना, उतना जायसवाल और गिल ने 6 ओवरों में किया है। पहले 6 ओवरों में यशस्वी जायसवाल और गिल ने 74 रन मारे, एक आउट था। 74 रन पावर प्ले में कभी सुना है? मैक्सवेल नहीं था खेल रहा, ट्रेवस हेड नहीं था खेल रहा, कौन खेल रहा था? गिल और जायसवाल, इंडिया के दो यंग टैलेंट, 74 रन मारे पहले पावर प्ले में। बेटा जिंदगी में कभी पाकिस्तानियों ने नहीं सुने होंगे, ये तो 15 ओवरों में करते हैं भाई। और उन 74 रन में गिल ने मारे हैं 16 बालों पे 34 रन, 5 चौके 2 छक्के, पावर प्ले में 36 बालें होती हैं, और उन 36 बालों में टीम इंडिया ने 14 बाउंड्रीज मारी हैं, 14 बाउंड्रीज। बेटा ये वो है कि 2 विकेटें गिरने के बाद भी ये टीम रुकी नहीं है। फिर स्काई ने 22 बालों पे 52 किया, मतलब 22 बालों पे 52 करके गया सूर्य कुमार यादव।
मतलब T20 क्रिकेट के पापा है वो, सही है ना। पाकिस्तान में कभी जिंदगी में भी स्काई जैसा प्लेयर नहीं आ सकता T20 क्रिकेट में, ना कभी आया था ना कभी आगे आएगा, ठीक है। फर्स्ट गेम एज अ कैप्टन थी उसकी, फर्स्ट गेम एज अ कैप्टन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बेटा, घंटे का किंग, 6 में 74 करके गए हैं वो आज। कोहली नहीं है, रोहित नहीं है, तो देख लो फिर जो थे वो क्या करके गए हैं। बेशक मुझे युगांडा के खिलाफ भी बाबर आजम की या पाकिस्तान टीम की ना पावर प्ले के कुछ स्टैट भेज दे, बेशक युगांडा मंगोलिया इनके अगेंस्ट भी कभी पाकिस्तान खेला ना, तो 6 ओवरों में 74 रन का मुझे कोई ना स्क्रीन शॉट भेज दो, पता चलेगा कि गौतम गंभीर बंदा किस माइंड सेट के साथ आया। उस बंदे ने आज बता दिया कि भाई मैं किस माइंड सेट के साथ आया हूँ। और नया दौर है, नया इरा है, ये गौतम गंभीर कोच बने हैं, कप्तान अपना जनाब अब नया बना सूर्य कुमार यादव। तो पहले ही मैच में उसने 22 गेंदों में 50, दिस इज हाउ ही प्लेज, दैट्स व्हाई ही इज द नंबर वन रैंक बैट्समैन। मुझे तो उसकी जो रेंज ऑफ शॉट्स है वो अनबिलीवेबल नजर आती है। तो ये बहुत एक बेहतरीन तरीका कार है T20 क्रिकेट खेलने का। बेशक विकेट तो गिरते रहते हैं, जब आप तेज खेलेंगे, जब आप 200 के स्ट्राइक रेट को छूने की कोशिश करेंगे तो आपका क्या ख्याल है आपकी विकेट नहीं गिरेगी, आपकी विकेट गिरेगी, लेकिन आप मेक श्योर करोगे कि आप टीम के लिए खेलें, और इसी को टीम के लिए खेलना कहते हैं। गिल आज ठीक है, रन 34 जो किए, गिल जाना जाएगा चौकों के लिए, चौके बड़े शानदार वो निकालता है, छक्के भी मारता है, नो डाउट अबाउट इट। तो 200 का स्ट्राइक रेट, वो जनाब जायसवाल वो देखें पहले ओवर से ही अटैकिंग क्रिकेट शुरू कर देते हैं, पहले ओवर से बिल्कुल भी कोई भी हल्का सा भी थोड़ा सा भी सुकून नहीं करने देते बॉलिंग साइड को। हल्की टीम है जिम्बाब्वे, इतना क्या अगर उनको मार मुर के आगे हैं, तो श्रीलंका फिर भी बेशक के आगे सुपर एट में नहीं गई, अच्छी टीम कंसीडर की जाती है, तो उसको जिस तरह से इन्होंने फेंटा है वो आपके सामने है। 6 ओवर में 74 रन, दिस इज हाउ यू प्ले टीम। रणवीर चले गए थे वो बैटिंग ही बोल गए थे, जब वो आए तो उन्होंने बैटिंग करना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं बात करूं, आप देख लें उस बंदे को गली से भी उठा के आप प्लेयर देंगे, वो प्लेयर बनाना जानता है, किस तरह बनाते हैं, एक अलग माइंडसेट के साथ वो बंदा जो है कि कोचिंग करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सूर्या की कैप्टनसी की, तो आउटस्टैंडिंग कैप्टन वो रहे हैं आज, जिस तरीके से उन्होंने कैप्टनसी दिखाई है, जिस तरीके से आज उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करके इतने कमाल की उसने शानदार इनिंग खेली है, जिस तरीके से उनकी जोड़ी नंबर वन कहा जाता है जायसवाल और शुभमन गिल को तबाही मचा के रख दिया, 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से वो मार रहे थे श्रीलंकन बॉलर्स के, उनके ग्राउंड के अंदर उनके ऊपर ही कहर डाल दिया। जिस तरीके से मैं समझता हूं कि इंडिया इस टाइम अनस्टॉपेबल, जिस तरीके से उनकी वुमेन्स है मेंस है कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। जो कहते थे कि विराट कोहली रोहित शर्मा के बगैर टीम इंडिया जो है वो कुछ भी नहीं है, आज आप देखें कि जब जो है T20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, और ये पहली सीरीज है T20 की श्रीलंका के खिलाफ जो इंडिया विराट कोहली रोहित शर्मा के बगैर खेल रहा है और सूर्या कुमार यादव की कप्तानी में खेल रहा है, और पहला ही मैच आप देखें कि कितना बड़ा टारगेट दिया। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है तो इंडिया को इस चीज की कोई मसला नहीं, एक है कि उनका एक्सपीरियंस जो था, मैन सीनियर प्लेयर थे, ये थोड़ी सी कमी महसूस होगी। अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो इंडिया को एक आने का फर्क नहीं पड़ता, जिस तरीके से उनके पास इतना कमाल का बैकअप, उनके पास यंगस्टर इतने कमाल के खेलने वाले हो, तो आप मुझे बता दें बैकअप उनका इतना स्ट्रॉन्ग है, सोचना नहीं पड़ता कि भाई इसकी रिप्लेसमेंट किसको लेके आए, वो पहले से ऑलरेडी तैयार करके रखते हैं, प्लानिंग करके रखते हैं कि भाई इसकी रिप्लेसमेंट ये है, उसको टक करके टीम में लेके आते हैं। आप देख लें गुरुत्वाज गायकवाड जिस तरीके से पिछले मैच में, पिछले सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ इतना अच्छा खेला था, अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर, डिजर्विंग प्लेयर, मैं समझता हूँ इस सीरीज के अंदर अपनी जगह नहीं बना पाए। इंडिया के पास भाई अपर लेवल के जो है रिप्लेसमेंट पड़े हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास इतना टैलेंट है, इतने कमाल के रिप्लेसमेंट है, तो इतने आप देख लें गौतम गंभीर ये बंदा अगर 1-2 साल टिक गए टीम को, मुझे लग रहा है कि पूरी वर्ल्ड में इंडिया की टीम हर फॉर्मेट में नंबर वन होते हुए कोई नहीं रोक सकता। गंभीर अपने साथ क्या लेकर आए हैं? लेकिन देखिए आप पूछ रहे हैं कि गंभीर क्या लेकर आए हैं, मेरे ख्याल में ये एक ऐसा तोहफा जो है ये ऑलरेडी उन्हें मिला है, ऑलरेडी अब जिस तरह का टैलेंट था जब आज ओपन किया जायसवाल ने और फिर उनके साथ शुभमन गिल ने, जिस तरीके से स्पेशली वो जो इनिंग्स के आगाज में जायसवाल ने जिस तरीके से शॉट्स खेली हैं उसमें हमें उनकी फ्लिक्स भी नजर आई, फ्लैट छक्के भी नजर आए, चौके भी नजर आए, फिर शुभमन गिल ने में जो शुरू में जो दो कट्स मारी उसके बाद उन्होंने स्ट्रेट बड़ी अच्छी शॉट्स मारी, छक्के भी लगाए, चौके भी लगे, 74 रन का पावर प्ले आया, कमाल कर दिया। और गिल लेकिन आज जिस तरह वो मार रहा था को आया डस चौका डस, जिस तरह छक्का मारा है, जिस तरह पुल मारा जो, हालांकि शुरू में बंद आप देख रहे थे, आप बल्कि मुझे कह रहे थे भाजी ने की माजरत हो रही है, लेकिन देखिए जिस तरह इस लड़के में इतने बड़े हादसे के बाद 1.5 साल बंदा क्रिकेट से बाहर है, जो इसके ऊपर एक लेबल था ये नहीं कर सकता। आज हालांकि लेस देन रन बॉल खेल रहा था लेकिन जब ये छक्का मारता है, मोहसिन साहब आप भी कहते हैं एक हाथ से छक्का आ रहा है। और वर्ल्ड कप में आपको 2-3 जो फंसे हुए मैच थे वो पंत ने जिताए हैं, जायसवाल और गिल की बात करें, छक्के मतलब ये चाहे तो एक ओवर में 6 छक्के भी मार सकते हैं दोनों, सही बात। फिर सूर्या भी आ रहे हैं, अच्छा दोनों कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं एक दूसरे को, है शाबाशियां दे, ओए तू मार रहा है फिर मैं भी मार रहा हूं। 213 रन आखिरी बार, अक्षर का तो लगता जैसे अक्षर ने
कसम खा ली है कि मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को, आखिरी बाल पे भी छक्का। तो भाई यंग इंडिया का पहला मुकाबला था और उस मुकाबले में यंग इंडिया ने क्या आग लगाई है, क्या इंटेंट दिखाया है श्रीलंका के सामने, उनके घर में जिस तरह से शुरुआत की है जायसवाल ने अपनी धुआंधार अटैकिंग अग्रेसिव अप्रोच से, मजा आ गया भाई। क्या इंटेंट दिखाया है युवा खिलाड़ी ने, और हम पाकिस्तान में बैठ के ऐसे ही इसके दीवाने नहीं है। आज के बाद गिल जो बहुत ज्यादा तनकीद की जद में थे, आज वो भी चमक दमक में नजर आए, कमाल के इंटेंट के साथ उन्होंने खेला, वाइस कप्तान वाली जिम्मेदारी लेके 200 के प्लस के स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला, और उसके बाद सूर्या कुमार यादव ने जो बारी खेली, जो इंडिया की युवा खिलाड़ियों की जो ओपनिंग बारी थी उसको जो चार चांद लगाए सूर्या कुमार यादव की बैटिंग ने, तो भाई कमाल ही कर दिया। बहुत जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी नजर आई है, वो इंटेंट जो कि इंडिया ने अपनी इस यंग क्रिकेट टीम को पिछली सीरीज से दी थी, वही इंटेंट आपको इस सीरीज में भी स्टार्ट में नजर आई है। तो वो जो एक अग्रेसिव इंटेंट नजर आई है टीम इंडिया में और उनके यंगस्टर्स के अंदर खास तौर पे, वो बहुत अप्रिशिएबल है। जो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आपको सभी को पता है, इंडिया ने श्रीलंका को ऐसे पहला के जो देखकर पाकिस्तान की आंखें खोली की खुली रह गई। यहाँ पर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान हर किसी कमज़ोर टीम से हारता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इंडिया की ए टीम तो छोड़ दे, बी टीम भी जाके किसी भी देश को हरा दे रही है। और यहाँ पर कल तो गौतम गंभीर की पहली ही कोचिंग में इंडिया ने बहुत ही शानदार जीत हासिल की श्रीलंका के खिलाफ। ये देखते हुए पाकिस्तान मीडिया तो यहाँ पर रो रहे हैं, और पाकिस्तान मीडिया कहना है तो अगर ऐसे ही गौतम गंभीर 5 साल तक कोच करते रहे तो इंडिया सभी फॉर्मेट में नंबर 1 बनेगी। तो आपको क्या लगता है जरूर कमेंट करके बताएं कि इंडिया सभी फॉर्मेट में नंबर 1 बन पाएगी कि नहीं, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा।